आज मेरा बर्थडे है और वैलेंटाइंस डे भी, तो तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया तो हूँ। हाँ, आनंद लाया है ना तुम्हारे लिए गिफ्ट, ये चॉकलेट। चॉकलेट? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे आईफोन दोगे, तो कहाँ है मेरा आईफोन? हाँ, मैं तुम्हारे लिए आईफोन लाने वाला था, लेकिन लेकिन तुम जैसे लड़कों को ना अच्छे से जानती हो। अरे तुम्हें बस झूठे वादे करने आते हैं, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, लड़कियों का मिसयूज करते हो बस तुम। मैंने तुम्हारे का मिसयूज किया? और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे पर झूठे वादे तो किए हैं ना, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए आईफोन लाओगे, तो कहाँ है मेरा आईफोन? अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुने, हमें नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। कनिका, तुझे कितनी बार बोला है इन जैसे लड़कों को बॉयफ्रेंड मत बनाया कर, ये होते ही भिखारी है। तुम दोनों बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी? अभी तो हमने बदतमीजी की नहीं है। तुम जैसे लड़कों को औकात में लाना ना हमें अच्छे से आता है। अरे तुम पे तो झूठा केस लगा के ना तुम्हें अंदर करवा देना चाहिए। अरे कनिका, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तेरे लिए आईफोन लाया ना आकाश। हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। आकाश तुम? हाँ, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। देखा कनिका, इस भिखारी से अच्छा तो ये है, कम से कम तुझे आईफोन तो दे रहा है। मैं तो कहती हूँ इस भिखारी से ब्रेकअप कर और इसके साथ रिलेशनशिप में आ जा, हमेशा खुश रहेगी। आकाश, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अरे हाँ, आकाश तुमसे बहुत प्यार करता है, बस वो कभी बोल नहीं पाया। बट आनंद भी तुमसे बहुत प्यार करता है, और अगर ये तुम्हारे लिए आईफोन नहीं लाया तो तुम उससे ब्रेकअप थोड़ा ना कर लोगी? ब्रेकअप? ब्रेकअप तो उसी टाइम हो गया था जिस टाइम इसने मुझे आईफोन के लिए मना कर दिया था। अरे मुझे अपनी खुशी ज़्यादा प्यारी है, किसी का झूठा प्यार नहीं। और ये क्यों दिखावा करते हो तुम अमीर होने का? हम रिलेशनशिप में हैं, ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना। तुम अब आईफोन के लिए मुझसे ब्रेकअप करोगी? तुम तो सच्चा प्यार करती थी ना मेरे से। सच्चा प्यार? माय फुट। अगर सच्चा प्यार करते ना तो आज तुम मेरे लिए आईफोन लाते। इतने सालों से हम रिलेशनशिप में हैं, आज तक तुमने क्या गिफ्ट दिया मुझे? सिर्फ झूठे वादे किए तुमने मुझसे। बस कर कनिका, कितनी बहस कर रही है इससे, इन जैसे लड़के तो होते ही फटीचर है। इसको साफ साफ बोलना तुझे इसके साथ नहीं रहना। तुम दोनों ने बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी है। तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? अभी सिर्फ एक थप्पड़ ही मारा है। जितनी बदतमीज तुम हो ना, तुम्हारे लिए एक थप्पड़ भी कम है। मतलब? कल मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। यार कनिका, देख मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया। वाओ यार, तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है। वैसे तेरा बॉयफ्रेंड भी तो तुझे आईफोन गिफ्ट करने वाला था ना? अरे यार, इस बार तो आईफोन गिफ्ट कर देगा, इसलिए तो पटाया मैंने उसे। कोई प्यार व्यार थोड़ी करती हूँ उससे। इस बार आईफोन गिफ्ट करेगा, फिर उससे कार मांगूंगी। अरे अभी तो बहुत सारे गिफ्ट लेना बाकी है उससे। हाँ यार, वैसे भी तेरा बॉयफ्रेंड बहुत रिच है। हाँ यार, चल चले। तू ये आईफोन किसके लिए लाया है? ये आईफोन उसका बर्थडे है ना, तो उसी को देने के लिए लाया हूँ। तू कनिका के बर्थडे के लिए आईफोन लेकर आया उसके लिए? हाँ, उसके लिए सरप्राइज है। तुझे सही में पता है ना कि कनिका तुझसे प्यार करती है, तेरे पैसों से नहीं? हाँ, मुझसे ही प्यार करती है, लेकिन क्यों? एक मिनट रुक, सब समझ आ जाएगा। आकाश, आनंद, इसका मतलब ये आईफोन तुम लाए थे मेरे लिए? वो तो हम ये देखना चाहते थे कि तुम आनंद से प्यार करती हो या उसके पैसों से। और हमें मालूम चल गया कि तुम किससे प्यार करती हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम इस फोन से प्यार करती हो। आज इसने तुम्हें ये फोन दिया है तो तुम्हें इससे प्यार हो गया, कल कोई और देगा तो उससे प्यार हो जाएगा, और उसके बाद कोई और देगा तो उससे प्यार हो जाएगा। तुम जैसी कुछ लड़कियों की वजह से बाकी सारी अच्छी लड़कियां बदनाम हो जाती है। सभी लड़कों को यही लगता है कि हाँ, सभी लड़कियां एक जैसी होती है, लेकिन नहीं, अच्छी लड़कियां भी होती है। तुम्हारे जैसी गिनी चुनी लड़कियों की वजह से बाकी सब लड़कियां खराब हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन तुमने क्या किया? अगर मैं चाहता तो तुम्हें एक नहीं 10 आईफोन दे सकता था, लेकिन आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया प्रीत की वजह से। इसने मुझे सब कुछ सच बता दिया कि तुम कैसी हो और तुम क्या कर सकती हो पैसों के लिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं भी एक लड़की हूँ, पर मुझे सही गलत का फर्क ना मालूम है। मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो मैं लड़कों से जाकर नहीं मांगती। मैं खुद इतनी इंडिपेंडेंट हूँ कि वो चीज़ खुद ले सकूँ। और तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना, सब लड़कों को लगता है कि दुनिया में जितनी भी लड़की है ना, वो सिर्फ पैसों से प्यार करती हैं। सो प्लीज़, आज के बाद ना ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। आनंद प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। माफ़ कर दूँ? अरे तुम फ़ोन क्यों ले रहे हो? मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ ना। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने छोटी गलती नहीं करी है, बहुत बड़ी गलती करी है। और ये गिफ्ट तुम डिजर्व नहीं करती, ये गिफ्ट कोई और डिजर्व करता है, जिसको इसका सही अहमियत हो। ये फ़ोन तुम डिजर्व करती हो, क्योंकि तुमने साबित कर दिया ये कह के कि कोई भी लड़की किसी के भरोसे नहीं बैठी रहती, वो अपने दम पे कुछ भी कर सकती है। तो प्लीज़ ये गिफ्ट एक्सेप्ट करो। थैंक यू इस गिफ्ट के लिए, बट आनंद मुझे इसकी नीड नहीं है।
हाँ मुझे पता है तुम्हें इसकी नीड नहीं है, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, प्लीज रख लो, तुम डिजर्व करती हो ये। थैंक यू। कभी भी तुम अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आप जल्दी से अपने लाइफ पार्टनर या जिससे भी आप प्यार करते हैं, वो फैमिली भी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में बस एक लाइन लिखिए कमेंट में। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कितने की लाइन सेम होती है, कौन किससे कितना प्यार करता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें और जिससे प्यार करते हैं उसके साथ शेयर करें। तो जल्दी से शेयर कीजिए क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको अभी बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं, ना कि उनके किसी भी चीज़ से, क्योंकि आपको सिर्फ उनके ट्रू लव से, मतलब ट्रू लव है आपको। तो जल्दी से शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। थैंक यू।